तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद निक लाइफ स्टाइल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम के बजे हैं 6:30 और अभी हम यहाँ बैठे हैं चाय पीने के लिए। तो माधव सो गया है और इस बीच हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। मैंने अपना कान का खोल दिया है, अभी पहनूंगी मैं, अजीब सा लग रहा है। तो इधर है चाय 3 कप, इसलिए है क्योंकि कौन है, अक्षय है, मेरा भाई आया है और ये सब माधव का गिफ्ट है। माधव तो कुछ खा नहीं पाएगा तो ये सब हम खा रहे हैं, पता है, ये सब भी देते हैं गिफ्ट में। तो काफ़ी कुछ दिया है और स्नैक्स वगैरह भी दिया है, तो वो सब हम ही खा रहे हैं। और हम लोगों ने ना ये निकाला नहीं है, काफ़ी टाइम तक हम रखेंगे, जब तक ये रह पाए, बोलो, जब तक ये रह पाए तब तक हम इसको रखेंगे, और जब तक नहीं रह पाएगा तो नहीं रह पाएगा। ये तो रह गई, ये तो अगले साल ही में भी चेंज होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम तक रहता है ये वाला, अगर आप खुद हाथ ना दो ना। फिर हम नेक्स्ट ईयर में नया लेके आएंगे ये वाला। हैप्पी बर्थडे माधव का, बर्थडे कम्प्लीट। देखो कब बलून जा रहा है अंदर। और कल ना बहुत मज़ा आया, मैंने उतना वीडियो कर नहीं पाई बर्थडे का, जितना भी है उतना ही किया, क्योंकि सब इधर उधर भागा भागी कर रहे थे। तो माधव भी रो रहा था, घर में कुछ फंक्शन होता है तो माधव एकदम से दिमाग ख़राब कर देता है सबका। तो चलो अभी फटाफट से चाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी ना हम लोग जा रहे हैं 2 नंबर काशी कृष्ण आश्रम में, तो वहाँ पे हो रहा है कीर्तन, तो चलो आज चलते हैं, लेके चलते हैं आप लोगों को। और वहाँ पे ना मेला भी लगा है, तो उस पर्पस में मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं उस मेले में कभी गई नहीं हूँ। और आज ना खिचड़ी भी दे रहे हैं, खिचड़ी प्रसाद भी दे रहे हैं, तो काफ़ी सारा हम लोगों ने कटोरा वटोरा ले लिया है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, 2-3 है, ये देखो, ये जो कहते हैं डोलची, ये पत्ती भर के ले जाएंगे, आज भी खाएंगे कल भी खाएंगे, हाँ 4-5 दिन फ्रिज में रख रख के खाएंगे। तो मेरा फ्रिज नहीं है ना, तो इसलिए फिर मैं लेके नहीं जा रही हूँ, लेकिन मम्मी और दादी का जो है ना वो लेके जा रहे हैं हम। तो चलो अभी हम बस पहुँचने वाले हैं और फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ आगे का ब्लॉग। देखो आ गए हैं हम, ये तो पहले ना काफ़ी भीड़ होता था, बट अभी उतना होता नहीं है। जब मैं यहाँ पे लाइफ में 2nd टाइम आई हूँ, एक बार मैं अपनी दादी के साथ आई थी और अभी शादी के बाद माधव के साथ आ रही हूँ। देखो उस टाइम पता है सत्यम यार, तो मंदिर ऊपर ही खाती देखे यार, यहाँ पे वो तो बड़ा ना। माधव के पापा दादी सब लोग गए हैं मंदिर में और मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि अभी मैं मंदिर में जाऊँगी नहीं। और ये देखो पीछे मंदिर है, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इस मंदिर को। और अभी तो भीड़ कम हो गई है, काफ़ी रश नहीं है, जब कीर्तन टाइम होता है तो तब बहुत रश थी, अभी तो रात हो गई है, खाली हो गया है, ये सप्तम गया है। अरे हत दिए ना, अरे ओड़ी दो छोट आरा प्रसाद तो मैं प्रसाद लेके ना टेबल पे बैठूंगी, मैं इसके ऊपर नहीं बैठूंगी। और इधर मैंने अपना जो प्रसाद है वो ले लिया है। देखो मेरा बाल वाल खींच के माधव ने पूरा एकदम क्या कर दिया, देखो, तो दादी लेके गई अभी।
तो और माधव और माधव के पापा और शतम गए हैं क्या करने डोलू लाने। अरे खिचड़ी खाने के बाद अभी हम लेने वाले हैं यहाँ से खिचड़ी घर के लिए। यहाँ से यहाँ पे बनता है खिचड़ी प्रसाद महाभोग। और यहाँ देखो गांव में ना एक चीज़ बहुत मज़ेदार होती है, बताए जो ये जो नेचर है ना, गांव में काफ़ी सुंदर नेचर दिखने के लिए मिलता है। ये देखो बोरिंग, जो बोर कहते हैं इसको बंगाली में, बोरिंग कहते हैं हम। और यहाँ पे नहाया जाता है, ये सब खेतों में जा रहा है, यहाँ सिंचाई होती है खेतों की। और सुबह का जो व्यू होता है काफ़ी सुंदर होता है, लीची का पेड़ आहो, यहाँ लीची होता है तो आएंगे ज़रूर लीची खाने के लिए। आम होता है तो, और सब कुछ होता है यहाँ पे, बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। कि मंदिर का पीछे का है, पहले मैंने आप लोगों को दिखाया है ब्लॉग में, थोड़ा बच गया है सब्जी। इसमें देखो कटहल भी दे रखा है, और ये कटहल जो है मुझे लगता है घर का कटहल है, मतलब यहाँ का आश्रम का ही है, क्योंकि यहाँ देखो। और किसी दिन आऊँगी आराम से और एक कटहल लेके आऊँगी इचड़ खाने के लिए। तो ऐसा होता है गांव में हमारा बंगाली चूल्हा, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट है। चलो चलते हैं घर की तरफ। मेरे साथ उसकी लड़ाई हुई ना, मेरे साथ ना स्कैम हो गया है। मेरी दादी ने मुझे बोला था बहुत अच्छा मेला होता है, फिर मैंने जब आके देखा ना कि ये बच्चों वाला मेला है, तो एकदम से मैं मायूस हो गई। फिर भी मैंने अपना जो है ना इंजॉयमेंट छोड़ा नहीं, हमने मोमो खाया, मैक्रोनी खाया, फिर घर आए। हम लोग अभी आ गए हैं घर, और अभी टाइम हो रहा है कितना, 10-11 बज रहा होगा। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मायके में इंजॉय किया, मतलब वहाँ पे तो किया ही किया मेले में। और फिर वहाँ से आने के बाद मायके में गए थे हम लोग प्रसाद देने के लिए, तो मेरा बड़ा भाई भी आया है दिनेशपुर से, तो उसके साथ भी थोड़ा बैठे हम लोग। तो अभी माधव को आ रही है नींद, और मुझे काफ़ी सारा काम करना है, एडिटिंग में बैठना है। कम से कम 12 बज जाएगा, तो मैं जाऊंगी अभी एडिटिंग में बैठूंगी, और एक आध घंटा मुझे लगेगा ही। और मैं उतना हाईली कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से 1-2 घंटा तो लग ही जाता है, काफ़ी सारा वीडियो रहता है मेरा, तो इसलिए 1-2 घंटा तो लग ही जाता है, 1.5 घंटा 2 घंटा, मतलब दो तीन वीडियो हो तो 2 घंटा, मतलब देखना पड़ता है ना, हर के यार सोचना पड़ता है। और बात मैं वॉइस रिकॉर्ड करने में बहुत झमेला होता है, बहुत ही ज़्यादा, मुझे एडिटिंग भी करना है, वॉइस भी देना है, यार बहुत सारा। तो चलो गाइज, अभी मैं बैठ गई हूँ अपना ये लेके, काम झाम लेके बैठ गई हूँ। मैं जाऊँगी अभी वाले रूम में, और हस्बैंड और माधव इस रूम में रहेंगे, और मैं चली जाऊँगी उस रूम में। तो चलो अभी चलते हैं अपने काम पे। तो अभी रखते हैं इस वीडियो को, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ सुबह सुबह। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टाटा।